श्रीमती चंद्रावन गुप्ता कॉलेज बासनगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का पेपर है फोर्थ कंपलसरी भाषा संज्ञान और समाज पाठ्य से लेकर संदर्भ में और यूनिट आपकी सेकेंड है भाषा के प्रकृति एवं उसका स्वरूप। टॉपिक है वाक्य संरचना की भूमि यानी कि वाक्य संरचना की प्रस्तावना और उसका अर्थ पढ़ा हमने पिछले वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे वाक्य संरचना की भूमि यानी कि वाक्य संरचना करते समय वाक्य की संरचना करते समय उसके गुण कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से गुणों का ध्यान रखते हुए हमें वाक्य की संरचना करनी चाहिए। तो देखिएगा पहला है, फर्स्ट है इसमें सार्थकता। सार्थकता यानी कि सार्थकता वाक्य का प्रथम गुण होता है। सार्थकता क्या है? वाक्य का प्रथम गुण होता है। जब तक वाक्य में यह गुण नहीं होगा तब तक वो भाव अभिव्यक्ति के योग्य नहीं होगा यानी कि जब तक वाक्य में सार्थकता नहीं होगी, कोई अर्थ नहीं होगा, अर्थ सहित नहीं होगा तो उसका कोई भाव, उसके भाव की कोई अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती। सेकंड है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता यानी कि क्रम का क्रमबद्ध होना यानी कि क्रम से ही क्रम से चलना या क्रम से वाक्य की संरचना होना। क्रमबद्धता यानी कि सार्थक शब्दों को निश्चित क्रम में सजाने पर ही वाक्य सार्थक होता है यानी कि सार्थक शब्दों में सही अर्थ वाले शब्दों में वाक्यों को सजाने के लिए या निश्चित क्रम में वाक्यों को रखने के लिए ही उस वाक्य का अर्थ निकलता है, उस वाक्य वो वाक्य सार्थक होता है, अन्यथा वह अशुद्ध हो जाता है। मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए नदी में नाव है यदि इसके क्रम को बदल दिया जाए, नदी में नाव है इस वाक्य के वाक्य संरचना के क्रम को यदि मैं बदल देती हूँ या इस वाक्य संरचना के क्रम को बदल दिया जाता है कि नाव में नदी है तो अर्थ की क्रमबद्धता भंग हो जाएगी यानी कि अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा और वाक्य की जो क्रमबद्धता है, जो क्रम है, जो निश्चित क्रम है वो सटीक नहीं बैठ पाएगा। इसलिए वाक्य की संरचना के गुण में क्रमबद्धता का होना भी आवश्यक है। नेक्स्ट है योग्यता। योग्यता से तात्पर्य है कि सार्थक शब्दों के क्रम में रखने पर भी वाक्य इस योग्य नहीं होता कि वह सही भाव को बता सके यानी कि हम वाक्य को सही अर्थ में रख रहे हैं लेकिन सही अर्थ में रखने पर भी वो उसकी क्रमबद्धता को नहीं बता रहा है, उसके भाव को नहीं बता रहा है तो वो उसकी योग्यता के काबिल नहीं यानी कि वो वाक्य उसके योग्यता के लायक नहीं है। जैसे कि देख लीजिए कि हिरन उड़ता है ये वाक्य सार्थक अर्थ में तो है, सार्थक शब्दों की क्रमबद्धता में लिखा हुआ है, सार्थक शब्दों में भी है और क्रमबद्धता में भी लिखा हुआ है परंतु भाव प्रकट करने की योग्यता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हिरण उड़ता है की जगह यदि दौड़ता आता तो हम ये वाक्य क्रमबद्ध और इस वाक्य की जो योग्यता का जो भाव प्रकट हो रहा है वो भाव हमें सटीक नजर आता। तो देखिएगा यहाँ पे कि परंतु भाव प्रकट करने की योग्यता नहीं है क्योंकि वाक्य ये बोल रहा है कि हिरण उड़ता है की जगह दौड़ता है यदि शब्द स्पष्ट हो जाता तो वाक्य की जो योग्यता है उस योग्यता से उस वाक्य का भाव स्पष्ट हो जाता। ये आपके 3 पॉइंट कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।